नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा मंडी निरीक्षक का जो टेस्ट सीरीज़ था, बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया। साथ ही साथ अगर आप सभी एग्ज़ाम देकर आए होंगे और हमारे टेस्ट सीरीज़ को देखा होगा, तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो हूबहू मतलब थोड़ा सा बस चेंजेस था। और अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा होगा तो उसमें आपको आंसर उसका दिख जा रहा होगा। छत्तीसगढ़ में भी सेम चीज़ हुआ। तो ओवरऑल बोलिए तो हमारा मंडी निरीक्षक का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा गया, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ उससे। अब हम सभी सहायक संपरीक्षक और जेएस संपरीक्षक का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इसके बारे में आज ही की वीडियो में आप सभी को परिमल सर बताएंगे अधिक जानकारी, क्योंकि मैं अभी ट्रेन में हूँ, थोड़ा एक जगह जा रहा था। तो चलिए देखते हैं परिमल सर से उसके बारे में अधिक जानकारी। आइए देखते हैं क्या है इस टेस्ट सीरीज की रूपरेखा, किस किस दिन आपको कौन से नंबर का टेस्ट मिलने वाले हैं और क्या है। देखिए, आपका जेएस संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक का एग्जाम होने वाला है 2 जनवरी को, जो पोस्टपोन होने के बाद जो डेट है वो क्या है, 2 जनवरी को एग्जाम है। एग्जाम में अभी आपका 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, इसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज देने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, टेस्ट सीरीज देने से क्या फ़ायदा होता है। हमने मंडी निरीक्षक का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसे दिया, और उसको देने के पश्चात जो उसमें क्वेश्चन देखा उन्होंने मंडी निरीक्षक एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 10 टेस्ट सीरीज के बाद हम 11th नंबर की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पेपर नहीं चल रहा है, हम टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का जो लेवल होता है और सीजी व्यापम के पेपर किस प्रकार से उसके क्वेश्चन के लेवल होते हैं, बिल्कुल हम लोग उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, ये आपको मंडी निरीक्षक का टेस्ट देकर के पता चल ही गया होगा। तो ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक का भी टेस्ट सीरीज आपको देना है। किस प्रकार से देना है, आपको एक फ्री टेस्ट मिलेगा, और 6 आपको परचेस करने पड़ेंगे। 6 टेस्ट और 1 फ्री टेस्ट, कहने का मतलब टोटल 7 टेस्ट आपको उसमें मिलेंगे। पहला टेस्ट 5 दिसंबर को, दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर को, तीसरा टेस्ट 13 दिसंबर को, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार से आपको हर टेस्ट पर्टिकुलर डेट्स पे अवेलेबल होते रहेंगे। अंतिम टेस्ट 25 तारीख को मिल जाएगा आपको, पेपर से 1 हफ्ते पहले तक। तो पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, और उसको एनालाइज करके कि आप अभी कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना अच्छा करने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स में हमको काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए। योजनागत तैयारी करेंगे तभी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपका इस टेस्ट में टोटल 200 नंबर हमने रखा है, जो कि बिल्कुल सहायक संपरीक्षक जेएस संपरीक्षक जैसा कि क्वेश्चन आते हैं, इसमें 200 नंबर का पेपर होता है। एक तो 100 नंबर तो टोटल हिंदी का ही होता है, और बाकी का बचा 100 क्वेश्चन तो इसमें आपका मैथ्स, इसमें फिर रीजनिंग, उसके बाद आपका करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, फिर क्या आता है इसमें, इसमें आता है इंडिया जीएस और CGGS, ये सब कुछ सम्मिलित रूप से 100 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 200 नंबर में आपको पूरे 200 नंबर अच्छा बने, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपको टेस्ट सीरीज परचेस करना है। किसी को टेस्ट सीरीज परचेस करने के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ टेस्ट सीरीज। अगर किसी को टेस्ट सीरीज देने से पहले, हम कभी भी अपने आप को परीक्षा में देखते हैं, तो पहले तैयारी अच्छी होना चाहिए। तो तैयारी करना है तो भूपेंद्र मिश्रा ऐप में जाना है। किस में जाना है, ऐप का नाम क्या है, ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी आपको, ये केवल और केवल एक जगह, ऐप का नाम है भूपेंद्र मिश्रा, ठीक है ना। इस ऐप में जाना है और आपको टेस्ट सीरीज वहाँ से अवेलेबल आसानी से हो जाएगी। फिर भी अगर किसी को समस्या आती है परचेस करने पे, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या कोई भी कोर्स आपको परचेस करना है, कंप्लीट सीजी व्यापम का कोर्स लेना है, मैथ्स रीजनिंग का कोर्स लेना है, इंग्लिश लेना है, या आपको अलग से छत्तीसगढ़ का जीएस लेना है, तो भी आपको उसमें ऐप में मिल जाएगा। किसी को प्राइस से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, ज़्यादा लगता है प्राइस, कुछ कम में लेना है, तो भी इस पर कॉल करके बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मंडी निरीक्षक में टेस्ट देने के पश्चात आपको फ़ायदा मिला है, मेरा बिल्कुल दावा है कि आप जेएस संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक में भी अच्छा करेंगे, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देते हैं, ठीक है।